Hey, what's up guys? Welcome back to a new video. तो guys, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक सॉलिड बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हो प्रीमियर प्रो में। तो चलो guys, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया है। तो एक्चुअली आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो प्रोजेक्ट पैनल है उस पर आना guys, आपको राइट क्लिक करना है और आपको जाना है न्यू आइटम पे और आपको सेलेक्ट करना है कलर मैट। यहाँ पे guys अपने फ्रेम रेट के हिसाब से आप इसको क्रिएट कर लो। यहाँ मैं 60 FPS का बना रहा हूँ और आपको ओके पे क्लिक करना है गाइस। अभी यहाँ से आप कलर सेलेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी बैकग्राउंड डालना है, जो भी आपको कलर सेलेक्ट करना है वो आप कर लो और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे गाइस एक बैकग्राउंड आ जाएगा। तो अपन यहाँ पे एक मैं ब्लू ले रहा हूँ, तो इसको आप कोई भी एक नेम दे दो गाइस। यहाँ पे एक बन चुका गाइस कलर मैट, इसको आपको ड्रैग करके टाइम लाइन पे ले आना है। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग का सॉलिड बैकग्राउंड बन चुका है। आप इसको ड्रैग करके इसका क्लिप का ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो अपने वीडियो के अकॉर्डिंग। सो गाइज, अगर आपको यहाँ पे कलर चेंज करना हुआ अगर बैकग्राउंड का, तो आपको इसी लेयर पे डबल टैप करना है गाइज और फिर यहाँ पे कलर पिकर का ऑप्शन आ जाएगा गाइज। यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो जो भी कलर आपको एक्चुअल में करना है। अगर आपको चेंज करना है, जैसे अभी ब्लू था तो अभी मैं यहाँ पे कुछ और रखने वाला हूँ, तो आपको फिर ओके पे क्लिक करना है। तो गाइज यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से गाइज आप क्रिएट कर सकते हो बैकग्राउंड। और आपको अगर कोई डाउट्स हो तो गाइज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और अगर वीडियो पसंद आए तो गाइज लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना गाइज। तो मिलते हैं गाइज नए वीडियो में।